हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं सभी लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। और इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और जैसा कि हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि CCNA के बारे में कंप्लीट डिटेल हम लोगों ने डिस्कस किया था। सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि CCNA है क्या, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, रियल इन्वायरमेंट या रियल इंडस्ट्रीज में इसका यूज केस क्या है। वहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, जो अभी जस्ट एक प्रोजेक्ट को मैं लीड कर रहा हूँ अपने इंडस्ट्री में, उसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोगों ने ढेर सारी डिटेल समझी थी कि एक छोटा सा सपोज आपको एप्लीकेशन या एक छोटा सा भी प्रोजेक्ट कंपनी में आता है तो उसको बैकग्राउंड में, उसको रन करने के लिए बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है। डेटा सेंटर बनाना, उसके लिए नेटवर्किंग करना, फील्ड में नेटवर्किंग करना, डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना, उनका इंस्टॉलेशन, फिर उनका अप टाइम मेंटेन करना, ढेर सारी एक्टिविटीज और ढेर सारी चीज़ें होती हैं। आज हम लोग सेकंड लेक्चर में बात करेंगे कि CCNA का कोर्स क्यूरिकुलम क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक तो अपना यही आता है कि जो जिस कोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका एक कम्प्लीट सीरीज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें हम लोग बात किस किस टॉपिक के ऊपर करेंगे। तो जैसे कि अपने फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया कि CCNA में पहले काफ़ी सारे पेपर कोड्स चलते थे। CCNA के कई टाइप की आपको वैरायटीज मिलती थी स्टडी करने के लिए, जैसे कि CCNA वायरलेस, सिक्योरिटी वाइज, फंडामेंटल एंड डेटा सेंटर एंड सर्विस प्रोवाइडर, इस टाइप के काफ़ी सारे आपको CCNA के टाइप्स मिलते थे। बट फरवरी 2020 के बाद CCNA ने कम्प्लीटली डिक्लेयर कर दिया कि अब से हम लोग एक सिंगल पेपर कोड के ऊपर काम करेंगे और फिलहाल के लिए एक सिंगल पेपर कोड रहेगा सभी यूजर्स के लिए। जिस पेपर कोड के लिए हम लोग अभी बात कर रहे हैं वो पेपर कोड है 200-301 वॉल्यूम या वर्जन 1.0। तो चलिए आइए CCNA के डिटेल को, इसका क्यूरिकुलम के बारे में डिटेल से समझते हैं कि हम लोग किस किस टॉपिक को ऊपर डिस्कस करेंगे, कैसे उनका लैब्स करेंगे। तो एक शॉर्ट में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, हालांकि ये लेक्चर मेरे हिसाब से थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लगभग 35-40 मिनट के अबाउट हो जाएगा, क्योंकि जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक को ब्रीफली थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग कि जस्ट इस टॉपिक में हम लोग किन किन टॉपिक्स, सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले और जैसे कि हम लोगों ने सिस्को के पोर्टल में भी देखा था कि जो पेपर कोड है अपना 200-301, इसका स्टडी मटेरियल सिस्को के अकॉर्डिंग बोलता है कि हम इतने टॉपिक के ऊपर अपना CCNA कंप्लीट कर जाएंगे। ये एग्जाम का ओवरव्यू है। दूसरे नंबर पे है नेटवर्क फंडामेंटल, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको छोटी छोटी डिटेल्स यहाँ पे बताएगा कि आप जैसे इथरनेट और बाकी कुछ कुछ डिटेल्स तो इस टाइप के हैं जो अपने को दूसरों के यूजर्स के कमेंट्स हैं तो उनके बारे में अपने को नहीं जाना है। TCP/IP ओवरव्यू है, इस टाइप के फंडामेंटल्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। जो पहला इसका टॉपिक है नेटवर्क फंडामेंटल्स, फिर दूसरा इसका टॉपिक है नेटवर्क एक्सेस, IP कनेक्टिविटी, IP सर्विसेज, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। पहले के जो CCNA के पेपर कोड्स थे उनमें ये ऊपर के लगभग जो अपने 5 टॉपिक हैं, यदि हम एग्जाम ओवरव्यू को छोड़ दें तो हमारे पास 5 टॉपिक आते हैं। ये 5 टॉपिक के बारे में पहले जितने भी पेपर कोड हमने देखे, इसके पहले 640-822, 640-816, 100-101, 200-101, 200-125, इन सभी पेपर कोड्स में थोड़ा थोड़ा ऊपर के सारे टॉपिक्स के बारे में आपको डिस्कस करने को मिलेगा। एक नया जो टॉपिक इसमें ऐड ऑन हुआ है वो टॉपिक है ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ आपको, आप आगे आएंगे तो आपको क्लाउड के कुछ टॉपिक और कुछ कुछ चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो ये एक टॉपिक नया है, इस टॉपिक के बारे में भी, इसका फंडामेंटल और जो छोटी छोटी कुछ लैब्स वगैरह हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और हो सकता है कि ऑटोमेशन और प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर जो सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं मेरी टीम के थ्रू, तो हो सकता है कि इस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस ना करूं। जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और उनमें कुछ डाउट्स रहेगा तो
बात कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा नेटवर्क फंडामेंटल। अभी एक चीज मैं आप यहाँ पे आपको और बताना चाहूंगा, यदि इन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग जाते हैं तो जिस हिसाब से मैं आपको एक एक चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूँ, या कुछ चीजें मैंने एड ऑन भी किया है अपनी तरफ से, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो यहाँ पे लेटेस्ट पेपर कोड में 200-301 में डिस्कस नहीं किए जा रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि यदि जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए अपन समझते हैं कि एक ऐसा यूजर है जो काफी समय से CCNA को धीरे धीरे पढ़ते आ रहे हैं, पुराने पेपर कोड्स को देखते आ रहे हैं, और अभी लेटेस्ट पेपर कोड के ऊपर वो डिस्कस करना चाह रहे हैं, लेटेस्ट पेपर कोड का ट्यूटोरियल देख रहे हैं, तो उनको पुराने पेपर कोड्स के बारे में सारा कुछ आइडिया है। एक ऐसे यूजर हैं जिनको एकदम से भी फर्स्ट टाइम CCNA वो करना चाह रहे हैं, तो उनके हिसाब से और नए यूजर के हिसाब से और पुराने यूजर्स दोनों के हिसाब से मैं ये सीरीज को रेडी कर रहा हूँ, जिसमें जो पुराने ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं सॉरी जो यहाँ पर डिस्कस तो नहीं हो रहे हैं बट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और रियल इंडस्ट्रीज में भी उनका यूज होता है। कुछ ऐसे टॉपिक को भी मैं एडिशनली एड ऑन करूंगा और उसके ऊपर भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए ट्यूटोरियल्स को समझने के लिए, इसका क्यूरिकुलम समझने के लिए हम लोग पेंट के ऊपर आते हैं और एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है नेटवर्क फंडामेंटल। नेटवर्क फंडामेंटल के ऊपर जो हमारे सब टॉपिक्स रहेंगे इनकी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले वीडियो में भी मैंने आपको क्लियरली बोला था या हम लोगों ने क्लियरली डिस्कस किया था कि फंडामेंटल क्लियर होना जरूरी है। आप कोई भी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो, DSCP, DNS, VLAN, STP या कोई भी इस टाइप के टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या जिनके ऊपर हम लोग लाइव करने वाले हैं, या रियल इंडस्ट्री में कहीं यूज केस आने वाला है या ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो आपका यदि उसका फंडामेंटल क्लियर है तो कई बार उसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी इजीली हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, या कहीं छोटे मोटे चेंजेज आते हैं या मैनेजमेंट के थ्रू कोई चेंजेस, सपोज मैं जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, या लेटेस्ट में अभी मैंने अपनी इंडस्ट्री में एक चेंज किया है, काफ़ी बड़ा चेंज तो नहीं है बट कहना चाहिए कि एक चेंज किया उसके बारे में छोटा यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपसे। सपोज मेरा मेरी इंडस्ट्री में कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक मेरे पास कोर स्विच है L3, तो एक्चुअली L3 मैं यहाँ पे एक नहीं मल्टीपल L3 कोर स्विचेज है मेरे पास जिनको फिजिकली मैं स्टेक करके रखा हूँ, और इसके बाद मेरे लेयर 2 स्विच है जिनको हम लोग एक्सेस स्विच भी बोलते हैं, इस टाइप के स्विच सपोज कोर से ये थ्रू फाइबर साइड पे कनेक्टेड है। मेरा जितना भी DSCP वगैरह है सारा कुछ मैं यहां से कंट्रोल कर रहा था कोर स्विच से। ये DSCP DNS सब कुछ क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, एक एक चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं मिस होगा जो आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है और रियल इंडस्ट्री में उसका यूज है या हमारे कोर्स क्यूरिकुलम में है और उसके बारे में हम लोग डिस्कस ना करें। मैं एक छोटा सा जस्ट एक एग्जांपल लेके आपको जैसे फंडामेंटल की बात हुई तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि अभी सारा कुछ DSCP में अपने कोर स्विच से मैनेज कर रहा था, बट फिर से हमारा एक नया प्रोजेक्ट आया, उसके बाद फिर दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट्स आए जिनके लिए मुझे नए नए DSCP डेवलप करने पड़े, तो हमारी जो हेड ऑफिस की नेटवर्क टीम है उनसे हमने डिस्कस किया और बताया कि हमारे ये सारे DSCP सर्वर की रिक्वायरमेंट अभी बढ़ रही है। तो होता क्या है कि स्विचेज या राउटर के अंदर जो आप DSCP इम्प्लीमेंट करके रखते हैं उनका थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है कंपैरिजन यदि आप विंडोज सर्वर में सपोज हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे ये हमारा एक विंडोज सर्वर है, यदि ये DSCP मैं इस विंडोज सर्वर के अंदर डेवलप कर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप विंडोज सर्वर के अंदर DSCP कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको प्रॉपर आपके सारे जितने आपने स्कोप्स बनाए होंगे उन स्कोप्स का रेंज क्या है, उसमें आपने जो IP एड्रेस का रेंज रखा है उसमें एक्सक्लूशन रेंज क्या है, मीन्स ये एक्सक्लूशन, ये सारे वर्ड्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी ब्रीफ में हम लोग इसको फिनिश करते हैं।
तो मेरे मैनेजमेंट का एक रिक्वायरमेंट आया कि हमें हमारे डीएससीपी काफी सारे कोर के ऊपर बढ़ रहे हैं, कोर से हम बाकी सर्विसेज भी चला रहे हैं, तो कोर के ऊपर बर्डन ना बढ़े, तो ऐसा क्या करें? तो जस्ट मैंने एक सजेशन दिया कि डीएससीपी को हम लोग एक विंडोज सर्वर के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं, और विंडोज सर्वर को हम लोगों ने एक प्रॉपर सर्वर रेडी किया और डीएससीपी को वहां से शिफ्ट कर लिया, और अभी हाल फिलहाल हम लोग अपना डीएससीपी सर्वर के थ्रू मैनेज कर रहे हैं। ये सब और सर सर्वर सर्वर में एक चीज और है, जब भी आप डीएससीपी अपने सर्वर में शिफ्ट करते हैं तो कुछ छोटे मोटे चेंजेस आपको कोर एंड पे करने पड़ेंगे, ताकि आपको आपके जो यूजर्स यहाँ पे एक्सेस लेयर के नीचे जो कनेक्टेड आपके यूजर बैठे हुए, इनको पता चले कि आपका डीएससीपी सर्वर कहाँ पे है, आपको आईपी वगैरह कहाँ से असाइन होनी है। तो ये छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ते हैं, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी ये पेज मेरा काफी ज्यादा खराब हो चुका है, इसको रिन्यू करने के लिए हम लोग एक नए पेज पे आ जाते हैं। सीसीएनए के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पेपर के कोड है 200-2301। इसको थोड़ा सा हम लोग बोल्ड कर लेते हैं, फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, 16 कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा यहाँ पे नेटवर्क फंडामेंटल। थोड़ा सा फॉन्ट मुझे लगता है छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि ढेर सारे टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स हैं, तो सारा कुछ इसमें एडजस्ट हो जाए। इसके लिए नेटवर्क फंडामेंटल के ऊपर जो हम लोग सब टॉपिक्स में बात करेंगे, वो सब टॉपिक है। सबसे पहला अपना टॉपिक है कि जिस नेटवर्किंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले उसे समझें कि नेटवर्किंग होता क्या है और इसके टाइप कितने होते हैं। यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे मेनली, आपने सुना भी होगा कि नेटवर्क के टाइप जनरली तीन नेटवर्क के टाइप ही होते हैं, लैन, मैन और वैन। बट अभी थोड़ा सा हम लोग पैन बोले तो पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ऐसा नेटवर्क जो छोटा मोटा नेटवर्क हम लोग अपने घर में जस्ट एक वाईफाई या एक्सेस राउटर्स वगैरह के थ्रू हम लोग डेवलप कर लेते हैं, डीलिंग राउटर्स वगैरह के थ्रू, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसी को पैन बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लैन के ऊपर, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मैन, देन वैन। इसको हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिंगल लाइन पे कर देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए। और यहाँ से इनके फॉन्ट्स को थोड़ा सा करते हैं कम। ओके गाइज, देन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, सबसे पहली बात हम यहाँ पे नेटवर्किंग जब डिस्कस करेंगे, उसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो नेटवर्क डिवाइसेस का अरेंजमेंट होता है, वो अरेंजमेंट कैसे करेंगे, या अरेंजमेंट जब होता है तो उसके बाद जो एक डिजाइन रेडी होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको समझने के लिए हमको डिस्कस करना पड़ेगा टोपोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी, टोपोलॉजी होती क्या है, कितने टाइप की होती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे ओएसआई रेफरेंस मॉडल के बारे में। ओएसआई रेफरेंस मॉडल के बारे में काफी सारे लोगों ने सुना भी होगा पहले, कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्सन के थ्रू जो आईटी फील्ड से रिलेट करते हैं। आईटी में कहीं ना कहीं किसी भी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या नेटवर्किंग कोर नेटवर्क कहीं भी फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो ओएसआई मॉडल के बारे में थोड़ा सा लोगों ने सुना होगा। और ऐसे पर्सन जो हो सकता है एकदम से इस फील्ड में अभी नया सीसीएनए पढ़ना चाह रहे हो, जो आईटी से रिलेट नहीं हो, उनके लिए हो सकता है कि ये वर्ड नया हो। बट इसके बारे में भी हम लोग कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे, समझेंगे कि ओएसआई मॉडल होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसमें लेयर्स कितनी होती हैं, उनमें डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन हमारा सेकंड टॉपिक आता है आईपी सर्विसेज एंड
इसमें टॉपिक और मैं मर्ज करना चाह रहा था एक्चुअली। आप लोग जब पोर्टल के ऊपर आएंगे, यहाँ पे पोर्टल में आएंगे सिस्को के, तो सिस्को ने क्या किया है कि नेटवर्क एक्सेस और आईपी कनेक्टिविटी एंड आईपी सर्विसेज, तीन टॉपिक अलग अलग कर दिए हैं। मैं यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ बेटर एक्सप्लेन करने के हिसाब से, आईपी सर्विसेज एंड नेटवर्क एक्सेस को मर्ज करके एक सिंगल टॉपिक में एक मेन टॉपिक बना रहा हूँ, उसके अंदर सब टॉपिक्स बनाएंगे और उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा एक टॉपिक रहेगा आईपी सर्विसेज एंड नेटवर्क एक्सेस, इसमें जो सब टॉपिक्स रहेंगे हमारे, सबसे पहले जब हम नेटवर्किंग फील्ड की ओर बढ़ते हैं, नेटवर्किंग सीखना चाह रहे हैं या नेटवर्किंग करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आईपी एड्रेस। यदि आईपी आपको क्लियर है, आईपी एड्रेसिंग के बारे में जो भी डिटेल रिक्वायर्ड है सीसीएनए करने के लिए, वो सारा कुछ फंडामेंटल आपके दिमाग में क्लियर है, तो फिर आगे के टॉपिक्स आप इजीली समझ पाएंगे और अच्छे से लाइव वगैरह परफॉर्म कर पाएंगे। अदरवाइज होगा क्या कि मैं जस्ट एक आईपी एड्रेस हमने लिखा, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, सॉरी अभी मैं इसमें एडिट नहीं कर पाऊंगा क्या, कोई बात नहीं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं नोटपैड पे आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि ये पेज मेरा खराब ना हो। जस्ट फॉर एग्जांपल 10.127.48.0/24 मैंने कर दिया। अभी कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये /24 क्या है, कुछ लोगों को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा कि ये /24 क्या लिख दिया, कुछ लोगों को तो ये क्लियर नहीं हो रहा होगा कि ये 10.127.48.0/24 है क्या। काफी सारे लोगों को जिनको इन्फॉर्मेशन है तो उनको क्लियर हो गया होगा कि ये क्लास ए का आईपी है जिसके सीआईडीआर वैल्यू 24 में लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे 255 होस्ट मुझे मिलेंगे जिसमें से एनआईडी और बीआईडी निकालने के बाद मुझे वैलिड आईपी रेंज एक मिलेगी जितनी आईपी को हम नेटवर्क पे यूज कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, सॉरी एक छोटा सा चीज यहाँ पे मिस हो गया मेरे से, अभी काम करते हैं। पहला जो मेरा टॉपिक रहेगा इसमें रहेगा आईपी एड्रेसिंग के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे और आईपी एड्रेस के सब टॉपिक्स क्या रहेंगे उसके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। आईपी एड्रेस के अंदर हम लोग सबसे पहले इसके वर्जन के बारे में बात करेंगे, इसके वर्जन कितने होते हैं। आईपी के जैसे दो वर्जन होते हैं, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, ठीक है। अभी आगे हम लोग बात करेंगे कि आईपी वर्जन 4 कितने बिट का होता है, 6 कितने बिट का होता है, आईपी वर्जन 4 की क्लासेस कितनी होती हैं, आईपी वर्जन 4 का क्लास के अंदर उसका रेंज कितना होता है, क्लास ए का रेंज कितना है, बी का रेंज कितना है, सी का रेंज कितना है, इस तरह से सारी रेंज के बारे में बात करेंगे। और क्लास ए बी सी जो भी क्लासेस हैं उन्हीं में से हम कुछ प्राइवेट एड्रेस यूज रिजर्व करके रखते हैं, जो हमारे लिए प्राइवेट एड्रेस रिजर्व किए गए हैं जिनको हम लोग अपने लैन पे यूज करते हैं, उन्हीं क्लासेस में से कुछ ऐसी आईपीज हैं जो आईएसपीज वगैरह के थ्रू हमें दी जाती हैं, जिनको हम आईएलएल की आईपीज बोलते हैं, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस आईपीज बोलते हैं। तो वो आईपीज हमें कहाँ से मिलती हैं, सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, जो सर्विस प्रोवाइडर भी हमें आईपी का रेंज देते हैं जिनको हम परचेस करते हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, जो पेड आईपीज होती हैं, वो आईपी का रेंज भी इन्हीं रेंज के से एक्सक्लूड करके रखा हुआ है, रिजर्व किया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले आईपी एड्रेसिंग के बारे में बात करेंगे, उसके वर्जन को समझेंगे। वर्जन को समझने के बाद आगे इसी टॉपिक को नेक्स्ट करते हुए हम लोग सबनेटिंग के बारे में समझेंगे, सबनेटिंग क्या होती है, इसकी जरूरत क्या है, VLSM के बारे में हम लोग समझेंगे। और इसी में ऐसे ये टॉपिक तो अभी लेटेस्ट CCNA पेपर कोड में नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से चाह रहा था कि इस टॉपिक के बारे में भी हम लोग डिस्कस करें, जिस टॉपिक का नाम है समराइजेशन, ठीक है। तो आईपी एड्रेस में हम लोग इतने टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, आईपी सर्विसेज के ये हमारे सारे टॉपिक्स हो गए, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जब नेटवर्क एक्सेस पे आते हैं,
इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि दो टॉपिक को मैं आपस में मर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों टॉपिक मैक्सिमम एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो जस्ट यदि आईपी एड्रेस के बाद हम इस टॉपिक को कवर करेंगे या इस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी नेटवर्क एक्सेस के बारे में। तो यहाँ पे जो अपना अगला टॉपिक रहेगा नेटवर्क एक्सेस के लिए, इसको यहाँ पे मैं, चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ नंबर बी। ए नंबर के ऊपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बी नंबर के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस में मैं क्या सोच रहा था कि यदि हम लोग आगे की कॉन्फ़िगरेशन या आगे की चीजें समझने से पहले एक ऐसा टॉपिक यहाँ पे ऐड करें जो आपके इस पेपर कोड में नहीं है या इस सिलेबस में नहीं है, बट वो भी समझना काफी इम्पोर्टेंट है, जिसे मैं कहना चाह रहा था कि नेटवर्क डिवाइसेस। अब नेटवर्क डिवाइसेस क्या होती हैं? सबसे पहले आपने कभी सुना होगा कि एक हब नाम की डिवाइस होती थी, एक ब्रिज नाम की डिवाइस होती थी, स्विच अभी लेटेस्ट में चल रहे हैं जिसमें हम लेयर 2 लेयर 3 सभी स्विचेस के बारे में समझेंगे, राउटर के बारे में समझेंगे, फायरवॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, WLC सिस्को के जो वायरलेस कंट्रोलर होते हैं, बाकी डिवाइसेस के बाकियों के भी वायरलेस कंट्रोलर्स आते हैं, बट हम लोग सिस्को का क्यूरिकुलम देख रहे हैं इसलिए हम लोग सिस्को के WLC के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सेस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इस तरह के जो भी RF हो गया, रेडियो फ्रिक्वेंसीज, RF के भी कई टाइप होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट RF, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट RF, जो इस तरह के डिवाइसेस हैं उनके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, अब ये सारी नेटवर्क डिवाइसेस हमने देखी, इन नेटवर्क डिवाइसेस को कॉन्फिगर करने से पहले या कॉन्फिगरेशन जब हमारे लैब में आएगा, जब हम उनको स्टार्ट करेंगे, तो कुछ ऐसी बेसिक कमांड्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिन कमांड्स का यूज आपको हमेशा आएगा, जब भी आप कोई भी डिवाइस आपके सामने आएगी उसको लॉग इन करेंगे, उसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि जो बेसिक कमांड्स हैं वो क्या हैं, ऐसी कौन सी कमांड्स बेसिक कमांड्स हैं जिनके थ्रू सपोज आपको कोई फ्रेश राउटर मिलता है या आपको कोई ऐसा राउटर मिलता है जो रियल इन्वायरमेंट में अभी लाइव है। तो एक अच्छा नेटवर्क इंजीनियर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये फॉलो करता है कि सबसे पहले जब वो किसी भी नेटवर्क डिवाइस में लॉगिन होते हैं तो उसके कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेक करते हैं कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या रन हो रहा है, आगे मुझे क्या चेंजेस करने हैं या कुछ नया रिक्वायरमेंट आया। तो जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो जो अगला इसमें मेरा सब टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक कमांड्स के ऊपर, स्विचेज की जो ढेर सारी बेसिक कमांड्स है, राउटर्स की जो ढेर सारी बेसिक कमांड्स है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, काफी छोटी कमांड है, डेट हो गया, टाइम हो गया, एंड वर्जन हो गया, टेलनेट कैसे इनेबल करते हैं, ठीक है, और SSH कैसे इनेबल करते हैं, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को कैसे चेक करते हैं, ठीक है, और यूजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, उनको प्रिविलेज कैसे देते हैं, यूजर जो हम बनाएंगे अभी, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि एक नेटवर्क मेरा बना हुआ है जिसमें चार यूजर बने हैं और चारों नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के प्रिविलेज उनको डिफाइंड है, ऐसा कभी भी एक स्टैंडर्ड नेटवर्क की प्रैक्टिस में जो स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करते हैं वहां पे ऐसा कभी नहीं होता कि चार यूजर या पांच यूजर, जो भी यूजर्स बने हुए हैं आपके राउटर और स्विचेज के ऊपर सभी को सेम प्रिविलेज मिला हो। एक नेटवर्क एडमिन होता है जिसके ऊपर एडमिन राइट्स होते हैं, जिसको जो अकाउंट मिलता है उसके ऊपर एडमिन राइट्स होते हैं, वो सारे कॉन्फ़िगरेशन को देख सकता है, चेंजेस कर सकता है, बट उसके नीचे जो उसके नॉक की टीम सपोज बैठी हुई है उनको कुछ ऐसे यूजर अकाउंट्स दिए जाते हैं, कई सारे ऐसे यूजर अकाउंट दिए जाते हैं जिनको खाली रीड ओनली का व्यू रहता है, रीड ओनली के ही राइट्स दिए जाते हैं कि आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, कोई इशू आपके पास आता है तो कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर सकते हैं और उसको आप नेक्स्ट लेवल में L2 L3 जो लेवल होते हैं उनको आप बता सकते हैं कि अभी इस लोकेशन में ये इशू आ रहा है। तो यूजर का क्रिएशन, उनका प्रिविलेज देना, और रियल इन्वायरमेंट में एक दो चीज़ें और यूज होती हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे बैनर वगैरह कैसे सेट करते हैं और पोर्ट्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन कैसे सेट करते हैं। सपोज दो स्विचेज आपस में आपके रेडी होके रखे हैं, एक और पेंट ओपन कर लेता हूँ तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा।
एमएस पेंट यहाँ पे आते हैं। जस्ट लाइक एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक ये स्विच है और एक ये स्विच है L2 L3 व्हाटएवर, और ये कनेक्टेड हैं आपस में। तो कई बार क्या होता है कि एक ऐसा नेटवर्क इंजीनियर जो काफ़ी टाइम से एक ही एनवायरनमेंट में काम कर रहा है या जिन्होंने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, उनको ये सारी चीज़ें याद रहती हैं। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि सारे स्विचेज के आईपी एड्रेस, जैसे मुझे भी मेरे एनवायरनमेंट में जो भी मेरे पास लगभग 100 के अबाउट स्विचेज हैं, कोर और एक्सेस स्विचेज सभी को इंक्लूड करके, तो उनका लमसम मुझे आईपी सभी स्विचेज की एकदम मकडअप है, दिमाग में सेट है। और प्रोबेबली ये भी दिमाग में है कि कौन से स्विच का अपलिंक किस पोर्ट से लगभग गया हुआ है। ऐसा याद करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी मेमोरी एकदम शार्प होनी चाहिए, आपको अपनी मेमोरी शार्प करनी पड़ेगी। इसके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जिनके थ्रू हमको ये याद रहता है कि इस लोकेशन से इस लोकेशन में हमने, क्योंकि कई बार ऐसा स्टैंडर्ड होते हैं या कई बार हम लोग ऐसा स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि सपोज ये मेरा एक 48 पोर्ट का स्विच है और ये एक 48 पोर्ट का स्विच है और ये एक 24 पोर्ट का स्विच है। तो होता क्या है कि यदि हम गीग पोर्ट्स का या फास्ट इथरनेट पोर्ट का जब भी हम यूज करते हैं आपस में कनेक्टिविटी के लिए, तो एकदम एंड के पोर्ट यूज करते हैं। 48 पोर्ट का स्विच हो तो यहाँ पे 47-48 पोर्ट को यूज कर लेंगे और यहाँ पे 23-24 पोर्ट को यूज कर लेंगे, ऐसा एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। या SFP पोर्ट हैं तो फिर कितने SFP पोर्ट्स यहाँ पे हैं, कौन सा सीरीज है, 4 SFP पोर्ट हैं या 2 SFP पोर्ट और 2 गीगाबिट पोर्ट्स हैं, उनमें से आप एट ए टाइम या तो SFP पोर्ट यूज कर पाएंगे या गीग पोर्ट्स यूज कर पाएंगे, ऐसे इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो उनके बारे में अपन डिटेल से आगे बात करेंगे। तो मैं मेनली यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि डिस्क्रिप्शन का क्या यूज है। हम लोग जिस पोर्ट से अपलिंक देते हैं उस पोर्ट को एक यहाँ पे क्या करेंगे कि उस पोर्ट के ऊपर लॉगिन करेंगे और जस्ट यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि इस लोकेशन का, सपोज मेरा CCR बिल्डिंग का 48 नंबर पोर्ट से अपलिंक गया हुआ है गेट नंबर 1 की जो लोकेशन है उसके 24 पोर्ट के लिए। तो जब भी कोई मैं या मेरा कोई दूसरा कोलीग इस स्विच के ऊपर लॉगिन करेगा तो उसको एक डिटेल दिख जाएगी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, या पोर्ट का डिटेल चेक करेंगे तो वहाँ भी पता चल जाएगा कि इस पोर्ट से क्या चल रहा है या इस पोर्ट की कनेक्टिविटी कहाँ के लिए दी हुई है। तो जस्ट एक डिस्क्रिप्शन का यूज केस इस तरह भी होता है, इसलिए मैंने बोला कि ये चीज़ अपन कर सकते हैं। देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी मैं सारी बेसिक कमांड्स के बारे में बात कर रहा था। फिर यहाँ पे हो गया पासवर्ड सेट करना, यूजर अकाउंट के ऊपर तो आप पासवर्ड सेट करेंगे ही। यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा था बेसिकली कंसोल के ऊपर पासवर्ड सेट करना। सपोज ये एक सिक्योरिटी फीचर भी है, कोई राउटर या स्विच आपका जिसके ऊपर आपने ढेर सारी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, कोई नेटवर्क इंजीनियर आके बैठा हो स्विच के ऊपर लॉगिन किया, कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कर दिया और आपका सारा नेटवर्क जो लाइव था जिससे आपकी सारी चीज़ें चल रही थी अचानक से ऑल ऑफ सडन बंद हो गए और आपको पता भी नहीं चल पा रहा कि क्या चेंज हुआ। फिर आप ट्रबल शूट करेंगे, फिर देखेंगे किस स्विच के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन आगे नेक्स्ट नेबर स्विच के ऊपर पास नहीं हो रही है, तो वो सारा पूरा एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि कंसोल के ऊपर ही एक पासवर्ड सेट कर देते हैं कि जब भी किसी नेटवर्क डिवाइस का आप कंसोल लेंगे तो वो जस्ट पहले आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड की क्रेडेंशियल्स पूछेगा। वो क्रेडेंशियल जब आप उसको प्रोवाइड कराएंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि काफी ज्यादा टाइम हो गया है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ बेसिक कमांड्स। इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आएंगे सी नंबर पे, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे DHCP के बारे में। DHCP होता क्या है, DHCP काम कैसे करता है, इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, ये सारी डिटेल को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। DHCP स्नूफिंग क्या होता है, ये सब इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। देन यहीं पे हम लोग बात करेंगे VLAN क्या होता है, VLAN को क्रिएट कैसे करते हैं, VLAN का यूज क्या होता है, इंटर VLAN राउटिंग क्या होती है। जब हम लोग VLAN क्रिएट करेंगे, एक VLAN क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, मल्टीपल VLANs जब हम क्रिएट कर देंगे तो क्या होगा, उनका आपस में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, उसी को बोलते हैं इंटर VLAN राउटिंग, वो परफॉर्म करके देखेंगे। इसके बाद ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रंक पोर्ट्स बनाएंगे, अपने VLANs को हम लोग एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पास कराएंगे। ठीक है, यहीं पर हम लोग बात करेंगे VTP क्या होता है,
ठीक है, यहीं पे हम लोग बात करेंगे इथर चैनल के बारे में, इथर चैनल क्या होता है, इसका यूज केस क्या होता है। ठीक है, तो ये डीएससीपी से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स हो गए जो जिनके ऊपर हम लोग अच्छे से थ्योरी और लैब सारा कुछ परफॉर्म करेंगे। इनके कुछ यूज केसेस या जो भी अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया है कि प्रॉब्लम कहाँ पे डीएससीपी में आती है, कहाँ पे विलेन में आ सकती है, इन सब टॉपिक्स के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा उसको थोड़ा सा, वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है लैन के लिए, जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जब भी आपका एक लैन क्रिएट होता है वहां पे, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सारे नेटवर्क को कंट्रोल करके रखता है और सारे नेटवर्क को विद इन सेकंड बंद भी कर सकता है या कहीं प्रॉब्लम भी आ सकती है। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के टाइप कितने होते हैं, इनका यूज क्या होता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। रिसेंटली एसटीपी को लेके एक मेजर इशू आ गया था मेरे नेटवर्क पे, जिसको मैं सुबह से ट्रबल शूट करते करते मुझे 2 घंटे 3 घंटे हो गए। बाद में पहले तो मुझे लगा कि कुछ दूसरी दूसरी प्रॉब्लम्स होंगी जिनको मैं ट्रबल शूट कर रहा था, बाद में मेरे ऑल ऑफ सडन दिमाग में क्लिक हुआ कि एसटीपी तो कहीं प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। बाद में जब मैं वहां पे आया और जिस स्विच के ऊपर मुझे प्रॉब्लम हो रही थी वहां पे मैं चेक किया कि एसटीपी का ही इशू है, क्योंकि एसटीपी की इन्फॉर्मेशन हो क्या रहा था, एक थोड़ा सा टाइम लूंगा आपको, ज्यादा नहीं। जस्ट लाइक कि मेरा यहाँ पे एक कोर स्विच है और यहाँ पे और 2-3 मेरी छोटी छोटी ऐसे लोकेशन हैं जो कि आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं और ये वापस से आके कोर से कनेक्टेड है। ये मेरा हो गया कोर स्विच, थोड़ा फटाफट करेंगे इसको, जिसको लेयर 3 स्विच भी बोलते हैं, इसी को कोर स्विच, यही मेरा कोर स्विच है। ठीक है, तो हो क्या रहा था कि जो यहाँ पे मैंने वीलैन को बनाया था वो मेरा पास होके इस स्विच के पास जा रहा था, इस स्विच के पास जा रहा था, उस वीलैन की इन्फॉर्मेशन इसके पास नहीं आ रही थी। तो ये जो स्विच है पर्टिकुलर जिस वीलैन के ऊपर मैं ट्रबल शूट कर रहा था, जिस वीलैन की मुझे रिक्वायरमेंट थी इस लोकेशन पे, ठीक है, तो जो भी लाइन मैं यहाँ से पास करके यहाँ से उसके सारी इन्फॉर्मेशन वापस कोर के ऊपर चाह रहा था, वो भी लाइन मेरा यहाँ जा रहा था, यहाँ जा रहा था, उसकी इन्फॉर्मेशन इसके पास नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे इशू क्या हो रहा था कि जो भी लाइन मैंने यहाँ पे पास किए थे, जब ये स्विच मेरे पास यहाँ पे होता था कोर के पास, क्योंकि मुझे लगे कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं वापस से लोकेशन से उसको डिस्कनेक्ट करवा के अपने पास लाता था, उसका सारा कॉन्फ़िगरेशन चेक किया, मैंने 2 बार किया, तो मैं देखा कि यहाँ पे तो सारा कुछ प्रॉपर पिंग चल रहा है और सारी सर्विसेज मेरी रन हो रही है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग ओके है। यहाँ पे जैसे मैं लगाऊँ तो उसका पिंग आना बंद हो जाए। बाद में पता चला कि जिस पर्टिकुलर स्विच का आईपी मैं इसके ऊपर असाइन करके रखा हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से पास होके यहाँ तक नहीं आ रही थी, क्योंकि एसटीपी उसको ब्लॉक कर रहा था। तो ये ट्रबल शूट करने में 2-3 घंटे लग गए मुझे। फिर मैंने उसको एसटीपी को प्रॉपर ठीक किया और सारी इन्फॉर्मेशन मुझे कोर तक वापस यहाँ से आके इस तरफ आने लगी और सारा कुछ हेल्दी हो गया, ओके हो गया। तो एसटीपी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अलग से रखा है, सॉरी इसको अपन डी बोलेंगे, और इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस भी करेंगे कि एसटीपी होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसके यूज केसेस क्या है, सारी डिटेल्स इसके बारे में। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के आगे चलते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे आईपी कनेक्टिविटी। आईपी की कनेक्टिविटी क्या होती है इसके बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पे वापस से एक एडिशनल टॉपिक अपनी तरफ से ऐड करना चाह रहा हूँ, जो आपके लेटेस्ट पेपर कोड में डिस्कस नहीं किया हुआ है और जिसका जो मुझे लग रहा है, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा यूज केस है। जब भी आप रियल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें, आपको किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में भी जाएंगे तो लोग उतना ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करते हैं और उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ पाती है कि ये रियल एनवायरनमेंट में कैसे यूज हो रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला मेरा सब टॉपिक है, मैं केबलिंग के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था। अब केबलिंग में हम लोग बात करेंगे कि कैट 6 केबल क्या होता है, कैट 6 केबल को यूज कैसे करते हैं, इसका पंचिंग क्रिम्पिंग करना हो तो
कौन से टूल यूज होंगे, उनका कलर कोड्स क्या होता है, इनमें हमें क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे, कभी लाइन में छोटा मोटा इशू आ गया तो जस्ट उसको टेस्ट करने के लिए लाइन टेस्टर्स वगैरह यूज होते हैं तो उनको कैसे करेंगे। तो ये एक एडिशनल टॉपिक मैं यहाँ पे ऐड करके आपसे बात करना चाह रहा था। इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे OFC के बारे में, आपका जो फाइबर केबल होता है, फाइबर केबल के टाइप्स कितने होते हैं, सिंगल मोड होता है, मल्टी मोड होता है, फिर फाइबर केबल्स की लेइंग हो गई, सिंगल मोड कहाँ पे यूज करेंगे, मल्टी मोड कहाँ पे यूज करेंगे, सॉरी फाइबर केबल का टर्मिनेशन कराने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको लगेंगे, टर्मिनेशन होता कैसे है, उसका OTDR करके उसके फाइबर के लॉसेस वगैरह कैसे चेक करते हैं, इनकी जस्ट एक थ्योरी हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कोशिश मेरी यहाँ पे ये रहेगी कि सभी डिवाइसेस का मैं एटलीस्ट जो इक्विपमेंट्स मेरे पास अवेलेबल है उनको मैं रियल अपने लैपटॉप का कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग करते समय आपको उनके पोर्ट्स और वो इक्विपमेंट्स के बारे में आपको डिटेल से दिखाऊंगा। और जो डिवाइसेस मेरे पास अवेलेबल नहीं है उनके इमेज को लेकर के हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एटलीस्ट कुछ क्लैरिटी आपके दिमाग में रहेगी। इसके बाद ये सारा कुछ आपने कैट 6 डाल दिया, OFC डाल दिया, दो लोकेशंस आपकी कनेक्ट हो गई। कनेक्टिविटी को करने के लिए एकदम स्विच एंड पे कुछ डिवाइसेस का यूज होता है जिसको बोलते हैं OFC मॉड्यूल, मीडिया कन्वर्टर, ठीक है। ये कुछ इस टाइप के डिवाइसेस है जो मुझे लगता है कि जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट या कहीं भी जैसे नॉट ओनली इन इंस्टीट्यूट, आप काफ़ी सारे ऑनलाइन वीडियोज या जिनने जहां भी आप CCNA का कोर्स कंटेंट फॉलो करते हैं वहां पे देखेंगे कि इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया होता है। हमको पता ही नहीं रहता कि मीडिया कन्वर्टर क्या होता है, OFC मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कौन से मॉड्यूल के यूज मुझे कहाँ पे करना है, और फाइबर के पैच कॉर्ड्स भी काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के पैच कॉर्ड्स आते हैं, जैसे आपका बोलना चाहिए SC to SC पैच कॉर्ड आता है, SC to LC पैच कॉर्ड आता है, एकदम स्विच एंड में कनेक्शन देने के लिए आप दो लोकेशन पे फाइबर ले करते हैं, दूसरे एंड पे जैसे फाइबर टर्मिनेट होता है वहां से एक पैच कॉर्ड डालते हैं और स्विच पे डालते हैं तो आपका अपलिंक चालू हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा पहले हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम एक्चुअल IP कनेक्टिविटी के ऊपर आएंगे। और IP कनेक्टिविटी में सबसे पहला जो मेरा टॉपिक रहेगा हम लोग डिस्कस करेंगे राउटिंग के बारे में, राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक राउटिंग क्या होता है, डायनेमिक राउटिंग क्या होता है, डिफॉल्ट राउटिंग क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे वापस से मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, हालांकि इसके बारे में एक सिंगल प्रोटोकॉल है जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, जिसको बोलना चाहिए टॉपिक का नाम है रिडंडेंट, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग मिस हो गई, रिडंडेंसी प्रोटोकॉल कहना चाहिए, या फिर कुछ लोग इसको नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रिडंडेंसी प्रोटोकॉल या नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल बेसिकली यूज होते हैं लैन एरिया में आपको रिडंडेंसी देने के लिए प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, इन प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट CCNA में जो प्रोटोकॉल डिस्कस हुआ है वो है FHRP, ठीक है, फर्स्ट हॉप रिडंडेंट प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, हम लोग कुछ पुराने प्रोटोकॉल्स पहले चलते थे या पुराने पेपर कोर्स में है उनके बारे में भी थोड़ा थ्योरेटिकल बात कर लेंगे, पॉसिबल होगा टाइम रहेगा तो उनका एक छोटा लाइव परफॉर्म करके भी देखेंगे, अदरवाइज FHRP को हम लोग डिटेल से समझेंगे, बाकी चीज़ों की थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे। दूसरा प्रोटोकॉल है HSRP, हॉट स्टैंड राउटिंग प्रोटोकॉल, फिर इसी तरह है VRRP और इसी तरह है GLBP, इन सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग डिटेल से यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है, सॉरी मैं यहाँ पे नंबर नहीं डाला, 1, 2, और ये वापस से मैं इसमें नंबरिंग कर देता हूँ ताकि क्लियरिटी रहे कि ये
मेरा थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर अभी इसको थोड़ा सा मुझे ऊपर ले जाना पड़ेगा, जस्ट मिनट, थोड़ा सा इसको, सॉरी, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। थर्ड नंबर के मेरे टॉपिक्स हैं आईपी कनेक्टिविटी। अब हम बात करेंगे फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर पे जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है, मैं यहाँ पे एक चीज सोच रहा था, ठीक है, उसको हम लोग इसी टॉपिक में कवर कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योरिटी फंडामेंटल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिक्योरिटी फंडामेंटल। सिक्योरिटी फंडामेंटल में हम आएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे वीपीएन। वीपीएन के बारे में जो मैंने पहले भी बोला है कि काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आईटी पर्सन हैं या जो आईटी से थोड़ा सा रिलेट करते हैं, उन लोगों ने इस टॉपिक के बारे में पहले सुना होगा या जानते भी होंगे कि ये कैसे वर्क करता है। पर थोड़ा सा वापस से हम लोग डिस्कस करेंगे कि वीपीएन होता क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये काम कैसे करता है, इसके टाइप कितने होते हैं, ठीक है, साइट टू साइट, पॉइंट टू पॉइंट, कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है और कैसे काम करता है। कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर तो हम लोग सीसीएनए में उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मेरी कोशिश रहेगी कि थ्योरिटिकल पार्ट इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। वीपीएन के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने के बाद यहाँ पे बात करेंगे लेयर टू सिक्योरिटी। लेयर टू सिक्योरिटी में हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि एसीएल क्या होते हैं, और एक चीज मैं यहाँ पे और इंक्लूड कर लूंगा, नेट क्या होता है, पैट क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन को भी हम लोग इसी टॉपिक में कवर करेंगे। और यहाँ पे हम लोग पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे कि पोर्ट सिक्योरिटी क्या होती है। आगे टाइम रहा या ठीक है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, निकालेंगे टाइम इसके लिए। ट्रिपल ए, ट्रिपल ए क्या होता है, एंथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ट्रिपल ए क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से समझेंगे। यूजर अकाउंट्स को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए ट्रिपल ए सर्वर डेवलप किया जाता है, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल से देखेंगे। इसका यूज केस कैसा है, बेसिक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, वो भी समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा, इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर अलग से भी समझ सकते हैं, इसी में ऐड कर लेते हैं, डिवाइस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स। अब कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो पर्टिकुलर नेटवर्क डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए यूज होते हैं। इन प्रोटोकॉल्स के बारे में भी हम लोग डिटेल से समझेंगे, उनका कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम समझेंगे सिस्को, SYSLOG, सिस्को सिसलॉग। दूसरा हमारा प्रोटोकॉल है NTP, SNMP सिंपल नेटवर्क, NTP के बारे में समझेंगे, SNMP के बारे में समझेंगे, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। देन CDP के बारे में समझेंगे, CDP क्या होता है, LLDP के बारे में समझेंगे कि इनका यूज केस क्या है, इनको कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है, इनको कॉन्फ़िगरेशन करके रखने से हमें क्या-क्या एडवांटेजेस होते हैं लाइव इन्वायरमेंट में, रियल इन्वायरमेंट में। तो इन डिवाइस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में भी हम लोग काफ़ी डिटेल से समझेंगे। एडिशनली मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाह रहा था, डी नंबर पे आएंगे और समझेंगे यहाँ पे फायरवॉल। फायरवॉल के बारे में भी हम लोग डिटेल से इसका फंडामेंटल पढ़ेंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे करते हैं उसका कंसोल, मेरे पास डिवाइस एक अवेलेबल है तो, बट वो सिस्को का नहीं है, फोर्टीगेट का फायरवॉल है। तो फोर्टीगेट फायरवॉल का कंसोल कैसे लेते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, उसमें मुझे नेटिंग करना हो तो कैसे करेंगे, ट्रैफिक फिल्टरिंग करनी हो तो मुझे कहाँ पे रूल्स वगैरह सेट करने पड़ेंगे, ठीक है, इस टाइप के। और उसमें आईपी कॉन्फ़िगरेशन जो भी बेसिक से लेके थोड़ा सा एडवांस लेवल तक की डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे, और उनका थोड़ा थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन करके भी देखेंगे कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ये आपके लिए एडिशनल टॉपिक है, फायरवॉल यहाँ पर डिस्कस नहीं किया हुआ है 200 to 301 में, बट
ये इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करूं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है फिफ्थ नंबर में, वायरलेस लैन, WIRELESS LAN, वायरलेस लैन। अब वायरलेस लैन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डिजाइन करना है, या फिर वायरलेस लैन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डिजाइंड है और आप ऐसी जगह में पहुंचे जहां पे वायरलेस का लैन इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से चल रहा है, उसे आपको मैनेज करना है एज अ नेटवर्क इंजीनियर, एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आप वहां पे जॉब कर रहे हैं, तो इस चीज को भी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वायरलेस नेटवर्क के फंडामेंटल के ऊपर, यहाँ पे डिटेल्स हम लोग समझेंगे कि वायरलेस नेटवर्क डिजाइन कैसे होता है, वर्क कैसे करता है, इन सभी चीजों के बारे में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन में हम दो तीन चीजें यहाँ पे देखेंगे, जस्ट लाइक कि यहाँ पे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि WLC कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, एक्सेस पॉइंट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, RF वगैरह भी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी रखनी हो तो क्या करेंगे, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी रखनी है तो क्या करेंगे, इस टाइप के जो भी कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा सिक्स नंबर में, यहाँ पे इन एडिशन कुछ चीजें मैं यहाँ पे एड ऑन करना चाह रहा हूँ, बट पहले हम लोग ठीक है पहले हम लोग इसी को करते हैं। एक नेटवर्क का एक सॉरी एक ब्रांड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा जो नेटवर्क की डिवाइसेस देता है, जूनिफर। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली सिस्को और जूनिफर दोनों इन्वायरमेंट में काम कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं उसको मैक्सिमम आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी कभी ऐसे इन्वायरमेंट में ऑल ऑफ सडन सिस्को से जूनिफर लाइन इन्वायरमेंट में जब भी आप शिफ्ट होंगे, जब कभी भी ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी काम करने की, तो थोड़ा सा आदमी स्टक हो जाता है। होता क्या है, जो सिस्को की कमांड्स हैं, जो सिस्को की डिवाइसेस के ऊपर चलती हैं, वो जूनिफर के डिवाइसेस के ऊपर एकदम डिफरेंट है। कोई भी एक ऐसी सिंगल कमांड नहीं है जो आपकी सिस्को के डिवाइसेस की कमांड हो और जूनिफर के ऊपर रन हो जाए। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली कहूँ या जो भी समझिए, यहाँ पे मैं दो टाइप के इन्वायरमेंट में काम कर रहा हूँ, सिस्को का भी इन्वायरमेंट है मेरे पास और जूनिफर का भी इन्वायरमेंट है। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, जूनिफर के स्विचेज के ऊपर हम लोग वो सारी डिटेल्स जो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे देखी, उसमें से बेसिक बेसिक डिटेल जैसे हम लोग आईपी एड्रेस AWDREESS आईपी एड्रेस वगैरह कैसे साइन करेंगे, वीलैन कैसे बनाएंगे, और ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स मींस ट्रंक वगैरह कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, वीलैन को कैसे पास कराएंगे, एसटीपी कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, और यहाँ पे टेलनेट और SSH कैसे इनेबल करते हैं, जूनिपर का वेव मैनेजमेंट वेव मैनेजमेंट कैसे इनेबल करते हैं, वेव मैनेजमेंट के थ्रू GUI बेस्ड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, कैसे चेंजेस करेंगे। एक तो होता है CLI बेस्ड जो आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हमेशा टेलनेट या SSH वगैरह लेके, दूसरा आप यहाँ पे जूनिपर आपको एक GUI बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन भी देता है, जहाँ पे जिसको कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले आपको वेब मैनेजमेंट जूनिपर का इनेबल करना पड़ता है CLI के थ्रू। तो आपको जूनिपर स्विच एक GUI कॉन्फ़िगरेशन देता है जहाँ पे आप उसको प्रॉपरली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। एंड एट द एंड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सेवंथ नंबर पे, यहाँ पे हम लोग डिवाइसेस की DEVICES डिवाइसेस की TROUBLESHWTIN ट्रबल शूटिंग के बारे में समझेंगे। जो भी मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, जो कुछ कुछ ऐसे इश्यूज जो डेली बेसिस पे आ जाते हैं या कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो ऑल ऑफ सडन आती हैं, तो हमको उसका ट्रबल शूटिंग कहाँ से शुरू करना है या कैसे चेक करना चाहिए, क्या आपके नेटवर्क में कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है, ठीक है। तो आप ट्रबल शूटिंग सबसे पहले शुरू ही होती है कि आपके नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उसमें से आप पकड़ते हैं सबसे पहले कि प्रॉब्लम
कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है या कौन सा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक चीज और यहाँ पे ऐड ऑन कर लेते हैं कि नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स के बारे में भी थोड़ा सा, एक दो टूल्स हैं जो मैं अभी अपने इन्वायरमेंट में यूज कर रहा हूँ। मैनेज इंजन का ओपी मैनेजर एप्लीकेशन और एवरेस्ट का भी एक टूल है, इन टूल्स को अभी यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए। तो इसकी भी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूंगा, कैसे यहाँ पे आप मैप व्यू एक प्रॉपर पूरे अपने नेटवर्क का, जो भी आपके लैन या आपके इंडस्ट्री में नेटवर्क चल रहा है, जहाँ भी आप नेटवर्क मैनेज कर रहे हैं, उसका प्रॉपर डिजाइनिंग, प्रॉपर टोपोलॉजी कैसे है, वो पूरी टोपोलॉजी आपको एक फिजिकल व्यू में दिखेगी, एक सिंगल पेज में, कौन सा साइट आपका अप हो रहा है, कौन सा साइट आपका डाउन हो रहा है, ऐसी कोई साइट जहां पे आपने रिडंडेंट पाथ भी दिए हुए हैं तो आपके कौन से पाथ से अभी आपका नेटवर्क अप है, कौन सा नेटवर्क आपका डाउन हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स में दिखते हैं। उनका कॉन्फ़िगरेशन यदि आप अपने करके रखा है तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे हमारे वो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। आगे एक पूरी सीरीज इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं, एक एक टॉपिक के बारे में लैब, देन उसका प्रैक्टिकल, सॉरी सबसे पहले उसका थ्योरी, देन उसका लैब परफॉर्म करके हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये ढेर सारे टॉपिक हैं और मुझे लग रहा है इन सारे टॉपिक्स के ऊपर एक प्रॉपर तरीके से उसका फंडामेंटल और लैब कंप्लीट करने में मुझे अबाउट जो टाइमिंग जाएगी 2 महीने के आसपास तो लमसम टाइम चला जाएगा। 60-70 डेज के अंदर मेरा टारगेट रहेगा कि मैं सारे वीडियोज़ को रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊँ। और यदि किसी रीजन बस, क्योंकि अभी मैं ढेर सारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे लीड कर रहा हूँ, जैसा कि एक प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपसे बताया था, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे मेरे व्हीकल ट्रैकिंग से रिलेटेड, एक और प्रोजेक्ट हमारे माइंस एरिया में आ रहा है वो भी मैं देख रहा हूँ, एक PTW करके प्रोजेक्ट्स है वो भी मैं लीड कर रहा हूँ जो कि SAP में चलता है, परमिट टू वर्क। तो इस टाइप से मैं कई सारे प्रोजेक्ट्स भी देख रहा हूँ। तो हो सकता है कि कभी कभी ऑफिस में ज़्यादा वर्कलोड आ जाने की वजह से मैं थोड़ा सा लेट नाइट स्टे करके भी अपने दिए हुए टास्क को या जो कॉन्फ़िगरेशन चल रहे हैं उनको कंप्लीट करके आता हूँ, तो थोड़ा सा डिले होगा, तो अबाउट 1 वीक to 2 वीक प्लस या माइनस हो सकता है। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं अच्छे से बात करूँ, टाइमली रिकॉर्ड करूँ और आपके लिए, आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं। अब हम लोग एक्चुअली जो हमारा काम शुरू होता है अब यहाँ से शुरू होता है। अभी तक तो हम लोग ट्यूटोरियल्स जैसे उसका देख रहे थे, एक ओवरव्यू देख रहे थे। आगे हम लोग शुरू करेंगे अपने फंडामेंटल से और उनका जिन टॉपिक्स के ऊपर उनका लैब है वो लैब भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुश रहें, मस्त रहें और हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। बी हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।